देवभूमि वाराणसी से निकली गंगा विलास क्रूज आज सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंची। जलस्तर की कमी के कारण क्रूज को बीच गंगा में लगा दिया गया, जिसके बाद बोट से सभी सैलानी नमामि गंगे घाट पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सभी सैलानी बाजार का भ्रमण करते, छोटे छोटे दुकानों को देखते अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचे। यहां सभी सैलानियों को पुजारियों ने तिलक लगाया। इसके बाद सभी ने अजगैबीनाथ शिवलिंग के दर्शन किए, उसे छूकर प्रणाम किया। इसके बाद सभी सैलानी पहाड़ों पर बने पौराणिक नक्काशियों को देखे। सभी सैलानी ई रिक्शा में बैठ उसके बाद गंगा तट पहुंचे और फिर बोट से क्रूज की ओर रवाना हुए। इस दौरान सैलानियों ने नमस्ते कहकर हाथ हिलाते हुए लोगों को धन्यवाद कहा। सभी सैलानी काफी उत्साहित नजर आए। क्रूज की यात्रा आज भागलपुर के कहलगांव बटेश्वर स्थान पहुंचेगी। इसके बाद वहां पौराणिक स्थलों से कल सभी सैलानी रूबरू होंगे। उसके बाद आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। Very difficult to explain because this is a very unique place for us to see, a very cultural and old place. It's the first time we visit this this hill also. It has a very good view. We enjoy it very much. I'm very happy to be here. What about Ganga River Journey? The Ganga River Journey is amazing. It's an honor to be on the way on Ganga River, and it's a very huge river, and the weather is much colder than we expected, but now the more we go south, the better the weather is getting, and we are very happy. The temple is very beautiful, and I cannot believe that actually India is well maintaining these temples for such an incredibly long time. It's amazing, yeah. What about Indian culture? The Indian culture is very diverse. You have a lot of different cultures. Your culture is also very different from the ones we have in Europe or in Switzerland. And every day we learn something new. बहुत अच्छे लग रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार के जो स्वागत हो रहा है, इसके लिए हम सब इनकी तरफ से आभारी है और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी हेल्प मिली है। हम सब लोग आभारी है। सुल्तानगंज में किस तरह से स्वागत किया गया? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे लग रहा है। इस तरह स्विट्जरलैंड एंड माय नेम इज पीटर, नाइस टू मीट यू। हैज योर फीलिंग इज सिंसियर फीलिंग? द एक्सपीरियंस ऑफ आवर हैज बीन एब्सोल्युटली ऑसम। वी आर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल क्रूज, ब्यूटीफुल वेदर। नाउ इट वाज अ लिटिल बिट कोल्ड बट टुडे इट इज ओके, सनी वेदर एंड वी गेट very good food also. What do you say about experience the Ganga River journey? Ganga River journey is very beautiful because it's a very big river, a very huge river, and we are very proud to be guests here, and this is a very unique chance for us. What are your motto to come here? What do you mean? Your motto to come here? You know, actually, don't get prepared too much and enjoy your time here. Get a new experience, and I will be happy to tell my friends back home they should come also. Okay. And okay. What's about Indian culture? The Indian culture is very diverse. You have a lot of different culture. We are still learning. We don't know everything yet, but every day we learn something new and we are amazed. You're very nice and friendly people too. Are you happy? I'm very happy, yes, every day. Thank you. भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर में NH-80 पर 6 बजे सुबह ट्रक पलटकर 6 फीट नीचे खाई में जा गिरी। दरअसल जिस जगह ये हादसा हुआ वहां NH पर 2 फीट गड्ढा है, जिससे कई बार गाड़ियां यहां अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार होती है, लेकिन NH के अधिकारियों ने यहां गड्ढा भरना मुनासिब नहीं समझा है, लिहाजा आज फिर एक सरिया लदा ट्रक गड्ढे में पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक व उपचालक समय पर कूदने में सफल रहा, दोनों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश दिख रहा है। परेशानी तो होनी है, जब रोड सही नहीं होगा तो परेशानी ड्राइवर को, पब्लिक को सही होगा। पानी बस जाने के कारण ये बराबर गड्ढा होते रहता है और ये कारण से एक्सीडेंट होते रहता है। ये वो परिचालन प्रवान जो भी हैं इनके अधिकारी, उनको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देते नहीं है। करीब करीब मोटरसाइकिल और ऑटो मतलब होबे करता है एक्सीडेंट, और बहुत ज्यादा परेशानी डेली। अभी क्या हुआ है? अभी तो देख रहे हैं ट्रक आया और अनबैलेंस होके इधर चला है, गड्ढे के कारण एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर भाग गया है, कहाँ है पता नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं। इसके बाद वो देश की यात्रा पर निकलने का ऐलान कर चुके हैं। इसको लेकर जदयू के कई नेता खुश हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। जहां कल जदयू विधायक संजीव सिंह ने मुख्यमंत्री को PM मटेरियल बताया था, वहीं भागलपुर के जदयू सांसद ने भी राग छेड़ दिया है।
सांसद अजय मंडल ने कहा कि अपना विकास कौन नहीं चाहता, पानी पूरी बेचने वाला भी करोड़पति बनना चाहता है, बहुत खुशी होगी कि वो प्रधानमंत्री बने, मैं उनके लिए जी जान तन मन धन सब लगा दूंगा, हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। मटेरियल बता दिया, हम क्यों कौन अपने आप का विकास नहीं चाहता है, आप किसी व्यक्ति से रोड चलते व्यक्ति से पूछ लीजिए तो कहेगा कि अगर ठेला भी चला रहा है गुपचुप बेच रहा है उनसे पूछिएगा तो कहेगा कि हम गुपचुप करोड़पति बनने के लिए बेच रहे हैं, वो कभी नहीं कहेगा हम भीख मांगने के लिए गुपचुप बेच रहे हैं, बढ़िया से मेरा परिवार खाए। और हमारे नेता अगर प्रधानमंत्री का मटेरियल क्या प्रधानमंत्री बने तो मैं जी जान सब लगा दूंगा, उसमें कौन बड़ी बात है, नेता जब मेरा प्रधानमंत्री बन रहा है कौन नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, तो मेरा पार्टी का नेता मेरे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने ये तो मेरे सौभाग्य का बात हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या पूछने की बात है, हर तन मन धन सब लगा दूंगा उनके लिए, जी जान सब लगा करके उनके लिए काम करूंगा। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला में पटना एसटीएफ और नौगछिया पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी क्षेत्र से 400 राउंड जिंदा कारतूस, एक बंदूक, एक पिस्टल, दो बाइक, 35,000 नगद के साथ तीन कुख्यात तस्करों को दबोचा है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान समस्तीपुर की विभूतिपुर थाना अंतर्गत नीतीश कुमार, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत गोलू कुमार उर्फ अभिज्ञान, साथ ही बेगूसराय के ही नावकोठी थाना के गौरव कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है। तीनों गिरफ्तार अभियुक्त कुख्यात हथियार तस्कर व अपराधी है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एसटीएफ ने सूचना दी थी, जिसके बाद खगड़िया नौगछिया सीमा पर वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान बाइक से हथियार डिलीवरी करने जा रहे तस्करों को हथियार के साथ दबोच लिया गया। सभी पकड़ाए गए तस्करों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत सेन अनुमंडल पदाधिकारी और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ जीरो माइल पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान वैकल्पिक बाईपास और जीरो माइल के पास माइनिंग के द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों के कारण लगातार लगने वाले जाम को लेकर वहां से जब्त की गई गाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। वहीं जीरो माइल थाना को जीरो माइल चौक से शिफ्ट कर बाईपास पर कर दिया गया है और थाने भवन को तोड़कर वहां पर सड़क को चौड़ा किया जाना है। इसके साथ ही जीरो माइल चौक पर लाइट लगाने की व्यवस्था को भी जिलाधिकारी के द्वारा देखा गया। जिलाधिकारी ने सौंदर्यकरण को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, स्मार्ट सिटी का बहुत सारा काम जो है वो तेज गति से चल रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि 1.5-2 साल में काफी प्रगति आई है और अब सब फाइनल स्टेज में है। 5 से 6 महीने में लगभग सारा काम पूर्ण हो जाएगा। टाउन हॉल को भी हम लोगों ने देखा है, उसमें और गति लाने के लिए बोला गया है और हम लोगों की उम्मीद है कि अगले 1 महीने में 1,000 की कैपेसिटी का बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी के साथ टाउन हॉल इस जिले को उपलब्ध हो जाएगा। जो स्मार्ट रोड का काम है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अल्टरनेट बाईपास है जो सीधा शहर के बाहर से होते हुए विक्रमशिला पुल तक कनेक्ट करेगा, उसमें भी काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है। उसमें कुछ पाइपलाइन की समस्या है जो बुडको को करना है, तो उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह में वो हो जाएगा और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1 महीने में वो पूरा फुल फ्लेज 4.5 किलोमीटर रोड जो है वो चालू हो जाएगा। उसमें सोलर स्ट्रीट लाइट और ये सब सारी सुविधा रहेगी। दूसरा, हम लोगों का जो जीरो माइल के पास जो जाम लगता था, गाड़ियां रहती थी, तो उसको हम लोग आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 थानों के लिए, ट्रैफिक थाना और औद्योगिक थाना के लिए हम लोगों ने जमीन लास्ट ईयर ही दे दिया था, तो उसमें थाना को शिफ्ट करा दिया गया है, गाड़ियां भी यहाँ आ गई हैं और विक्रमशिला ब्रिज के पास जो गाड़ियां लगी हुई हैं, चाहे वो माइनिंग की हो या किसी अन्य केसेस में हो, उसको भी हम लोग यहाँ शिफ्ट कराएंगे। और अनुमंडल पदाधिकारी को, संबंधित थाना प्रभारी को भी बोला गया है कि उसमें वो कन्फिस्केशन का आदेश संबंधित न्यायालय से प्राप्त करें। अगर वो जिला पदाधिकारी के न्यायालय से होना है या सिविल कोर्ट से होना है तो वो भी वो लोग कर लें और 1 से 2 महीने में उसका भी डिस्पोजल जो है वो इंश्योर कराएं। और हम लोगों का ये प्रयास है कि शहर में ट्रैफिक की समस्या कम हो। जैसे अब आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट लगा है, तो अभी वो शुरुआती दौर में है, हम लोग उसको देख रहे हैं, तो उसका निराकरण कराएंगे। रोड्स वगैरह हम लोगों ने 1.5 से 3 मीटर सब रोड को चौड़ा कराया है, अल्टरनेट बाईपास बन जाएगा और जो जीरो माइल पर जो गाड़ियाँ हट गई हैं और जो बिल्डिंग्स वगैरह वो हट जाएंगी, तो उससे जो है वहाँ भी काफ़ी जाम की समस्या में राहत मिलेगी।
भागलपुर के मायागंज अस्पताल में हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होने के कारण अस्पताल की नर्सों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मामले को लेकर नर्स का कहना है कि अस्पताल में हेपेटाइटिस बी का टीका काफी दिनों से नहीं होने के कारण मरीजों को वापस भेजना पड़ता है। वहीं मामले की जानकारी देने पर अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास भी इस संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लेते। नर्सों ने कहा कि अगर उन्हें अस्पताल में तमाम चीजें मुहैया नहीं कराई गई तो वे लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। मौके पर मायागंज अस्पताल की सैकड़ों नर्स मौजूद थी। वहीं इस मामले में अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा कि अभी अस्पताल में यह व्यवस्था नहीं है, खत्म हो गया है, बाहर से जब आएगा तो मुहैया करा दिया जाएगा। इस मामले में उन्होंने यह भी कहा कि नर्सों को किसने बताया है, इस मामले से नर्सों का कोई लेना देना नहीं है। सर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोले अधीक्षक? सर बोले कि अभी उस पे कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन 3 दिन पहले से ही ये सब सर को बताया जा चुका है, बट सर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हुए हैं। सिर्फ बोल रहे कि ट्रीटमेंट होगा, बट अभी तक तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आप लोग वैक्सीन की मांग की थी, क्या हुआ उसका? सर कुछ कन्फर्म नहीं किया हम लोग। वो तो कह रहे हैं कि वैक्सीन होता ही नहीं है। हाँ सर ऐसा बोल रहे हैं कि इसका कोई वैक्सीन नहीं होता है, लेकिन ऐसा पता चला कि एंटीजन इसका होता है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है सर, तो हम अभी और भी इसको आगे बढ़ाएंगे इस वाले प्रोग्राम को। डिपार्टमेंट में कोई एक हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव बच्चा था और उस बच्चे को हैंडल करने ये गई थी। उस दौरान जो है ये बताती है कि कुछ एक्सीडेंटल प्रिक हुआ है। हेपेटाइटिस सी क्या चीज़ है, हेपेटाइटिस बी क्या चीज़ है, इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं है। उसको समझने के पहले मालूम होता है कि इसको कहीं से गुमराह हो गए ये लोग, इकट्ठे इतने लोग आके वैक्सीन की डिमांड करने लगे। हेपेटाइटिस सी सबसे पहली बात है कि इसका कोई एंटीबॉडी नहीं पड़ता है, कोई वैक्सीनेशन नहीं। अगर हेपेटाइटिस सी से कोई एक्सपोज हो गया है तो लेट स्टेज में उसका एंटीबॉडी बनता है, बाद में हम एंटीबॉडी टेस्ट करके देखते हैं कि नेग्लिजिबल है या सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट है तो उसको हम एंटीवायरल डोज में टैबलेट देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक पड़ता है बैक्टीरिया के लिए, वैसे ही वायरस का एंटीबायोटिक होता है एंटीवायरल ड्रग्स। भागलपुर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहद्दीन नगर की स्थिति काफी जर्जर है। वहां के लोगों का कहना है कि दक्षिण क्षेत्र में काफी संख्या में लोग रहते हैं। यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक को से बना हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि ना तो यहां दवाइयां मिल पाती है ना ही डॉक्टर। वहीं ग्रामीणों की मांग है कम से कम 10 बेड का अस्पताल बने और यहां एक BDS डॉक्टर नियुक्त किया जाए, जिससे यहां के लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहाँ के लोगों ने यह भी कहा कि हम लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो मायागंज अस्पताल जाना पड़ता है, यहाँ पर व्यवस्था होने से हम लोगों को मायागंज अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। चाहते हैं कि यहाँ MBBS डॉक्टर 24 घंटे का हो और 10 बेड कम से कम बने, ताकि यहाँ के गरीब गुरुओं को, यहाँ की जनता को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। परेशानी है इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। दक्षिणी क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ 24 आवर्स यानी 24 घंटा हॉस्पिटल का मांग करते हैं, हम 10 बेड का मांग करते हैं। लेडीज लोग को डिलीवरी कराने में परेशानी, दवाई इलाज का परेशानी है, डॉक्टर बैठता नहीं है, हम लोग को मायागंज जाना पड़ता है। ये नाम का हॉस्पिटल है, काफी जगह इस हॉस्पिटल में, अगर यहाँ बनाया जाए तो खूब अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है। परेशानी बहुत है यहाँ लेडीज को, तो ऐसे परेशानी है जो कि डिलीवरी पेशेंट के लिए मायागंज जाना पड़ता है और हर चीज में है ना। डॉक्टर पहले ये आजीवन है, 200 बरस का हॉस्पिटल है ये, आज तक जो है सो इस पर अश्विनी चौबे को आश्वासन नहीं दिया। क्या चाहते हैं आप सब? हम लोग चाहते हैं कि डिलीवरी पेशेंट कम से कम 10 सीट हो, रात को डॉक्टर हो इमरजेंसी के लिए, घंटा हॉस्पिटल दक्षिण और डॉक्टर रहे, डॉक्टर रहे। दक्षिण क्षेत्र में एक ही हॉस्पिटल है, पौराणिक है, 100-200 बरस से जमींदार का दिया हुआ है। भागलपुर में नशा और नशे के धंधे वालों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। देर रात शहर के तातारपुर और तिलका मांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर नशे के धंधेबाज पप्पू सुनार सहित 2 को गिरफ्तार किया।
जबकि पुलिस को देखकर कई नशे के धंधेबाज भागने में सफल रहे। छापेमारी कर पुलिस ने काफी मात्रा में कफ सिरप नशीली दवा बरामद किया है। बता दें भागलपुर पुलिस ने हरियाणा में एक नशे के धंधेबाज को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर भागलपुर में छापेमारी की गई। गंगा विलास क्रूज अभी बिहार में बहने वाली गंगा के रिवर बेड पर है। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के 32 पर्यटकों को लेकर मैदानी इलाके के सर्पाकार बहाव वाले इलाके की विरासत का दीदार करते हुए गंगा नदी में मचलने वाली गांगे डॉल्फिन का नमस्कार भी स्वीकार कर रहे हैं। भारत सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रही है, लेकिन यहां थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। चीन के यांगसी नदी में बायजी डॉल्फिन अब विलुप्त हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण नदी में यातायात को बढ़ावा देना रहा। डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, साथ ही अति संवेदनशील जीव है, आंखों से देखने में असमर्थ होता है। डॉल्फिन का नुकसान राष्ट्र का नुकसान माना जा सकता है, जैसा कि गंगा प्रहरी और पर्यावरणविद आशंका जता रहे हैं। मतलब अगर सरकार गंगा नदी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है तो गंगा नदी के इकोसिस्टम का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ अब देखिए आवश्यकता थी छोटे जहाजों को चलाने की, जिससे जैव विविधता को बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुँचे, लोग जा करके जीवों को देख सके। और देखिए विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी में लगभग 4 सालों से यहाँ एक पर्यटन जहाज आया हुआ है, जिस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये जहाज लंबे समय से बंद है, इसके और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसी तरह गंगा की विविध क्षेत्रों में छोटे छोटे जहाज़ों के माध्यम से, छोटे छोटे बोटों के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, जिसको स्थानीय लोगों से लेकर के सब कोई, हाँ देश के नाम के लिए बढ़िया है कि इतनी बड़ी जहाज चल रही है, ये चले, इसमें कोई ये नहीं है, मगर इसका बहुत बड़ा, इसके आने वाले समय में इसके बहुत बड़ा हम लोग जो है हानि बर्दाश्त करेंगे। जब क्रूज जाएगी उसका ऑयल किसी तरह से भी डिस्चार्ज होना ही होना है। जब कोई छोटा जहाज भी चलता है तो ऑयल जो है कम मात्रा में डिस्चार्ज होती है, इससे ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होगी, माइक्रोन जीव जो है वो नष्ट होगा, वाइब्रेशन से कटाव का डर भी बढ़ेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए ऐसा है कि विकास और विनाश दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। विकास भी कई जगह पे अपनी जगह सही है, और उसके चलते कितना विनाश होता है और किस हद तक हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उससे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत बड़े विषय का मामला है। जहाँ तक गंगा विलास क्रूज का सवाल है तो मुझे लगता है कि ये इक्का दुक्का क्रूज चलने से बहुत ज़्यादा फर्क गंगा नदी के जीवों पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो इसमें मेजर्स लिए ही जा रहे होंगे कि इसमें वाइब्रेशन कम हो, इसमें मतलब तेल का रिसाव नहीं हो, लोग टूरिस्ट लोग गंगा में कचरा उचरा डिस्पोज न करें, ये सारे अगर प्रिकॉशंस के साथ क्रूज चलता है और इक्का दुक्का अगर चलता है तो ये हमारी गंगा की जो जैव विविधता है उसको दुनिया को दिखाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। रिवर क्रूजिंग जो है उसको हम लोग इको टूरिज्म से जोड़ के देखते हैं और हम लोग इको टूरिज्म को प्रमोट भी करते हैं ताकि लोगों में उसके प्रति एक दिलचस्पी हो, प्रेम भाव पैदा हो और लोग उस गंगा की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि गंगा हमारी कितनी समृद्ध है और इसको इसी वजह से इसको संरक्षित करने की भी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। बुनकर संघर्ष समिति के बैनर तले 36वां बुनकर शहीद दिवस के अवसर पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन चंपा नगर गोलंबर चौक मदनी नगर स्थित मैदान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में बुनकर आंदोलन में शहीद हुए शहीदों के तेलीय चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। यह कार्यक्रम हर वर्ष बिजली आंदोलन में हुए शहीदों के याद में किया जाता है। कार्यक्रम में बुनकर संघर्ष समिति के द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर विशाल आम सभा का कार्यक्रम भी किया गया। इस संबंध में बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजहत अंसारी ने कहा कि 19 जनवरी 1987 को बिजली आंदोलन को लेकर हुए पुलिस की बर्बरता के चलते गोली लगने के कारण 2 बुनकर शशि एवं जहांगीर की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाद में गंगा प्रसाद ने भी जेल में जाकर अपना दम तोड़ दिया था। इसी दौरान डीएसपी मेहरा कांड की घटना भी घटी। बुनकरों की याद में आज के दिन को बुनकर शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में सज्जन कुमार, अशफाक अंसारी, जियाउर रहमान, डॉक्टर बीना यादव, प्रीति शेखर, हयातुल्ला अंसारी, मोहम्मद फैज के अलावे बड़ी संख्या में बुनकरों के साथ
बुद्धिजीवी वर्ग, जनप्रतिनिधि एवं समाज के अन्य लोग उपस्थित थे। तिलकामांझी स्थित एक विवाह भवन में बिहार राज्य फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता बिहार प्रदेश फेयर डीलर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने की। उन्होंने बताया कि इन लोगों की 8 सूत्री मांग को सरकार अगर जल्द पूरा नहीं करती तो इसके लिए आंदोलन करेंगे। 22 जनवरी को भागलपुर में एक विवाह भवन में राज्य और जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के 38 जिलों के फेयर डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और दुकानदार भाग लेंगे। इन लोगों का कहना है कि सरकार 30,000 रुपये मानदेय इन लोगों का फिक्स करे, वहीं एक क्विंटल पर 300 रुपये का कमीशन दिया जाए। इसके साथ ही पूर्व की तरह दुकानदारों को अनुकंपा भी दी जाए। लोगों का कहना है कि बिहार के मुख्य सचिव की ओर से जांच की जा रही है, जिसमें अवैध रूप से वसूली की जा रही है। इस पर सरकार को रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 7, 8 व 9 फरवरी को फेयर डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर पॉस मशीन बंद कर हड़ताल किया जाएगा। बिहार राज्य फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन एवं भागलपुर जिला फेयर प्राइस डीलर का जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन के माध्यम से जो हम लोग का लंबित 8 सूत्री मांग है उसके बारे में हम लोग अभी 10/1/2023 को पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किए, सरकार के सचिव से वार्ता हुई, वार्ता के बारे में बताएंगे लोग को, और मांग पूरा नहीं होगा तो 5-3 महीना के अंदर बहुत बड़ा फिर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सरकार के मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री असर से वार्ता नहीं हुई है, सचिव के असर से वार्ता हुई, तो जो विभागीय असर से काम था बताएं कि काम कर देंगे, उन सभी बिंदु के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानकारी होगी तो हम बताने काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज है भागलपुर जिला में भागलपुर जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय बैठक करने का मुख्य कारण है कि राज्य से लेकर के जिला से लेकर प्रखंड तक संगठन को मजबूत बनाना, सशक्त बनाने के लिए हम लोग भागलपुर जिला में आए हैं। सम्मेलन में कहां से लोग आ गए आप? सम्मेलन में भागलपुर जिला के सभी प्रखंड के अध्यक्ष, सचिव एवं सभी जनवितरण दुकानदार, प्रमुख सक्रिय जनवितरण दुकानदार आ रहे हैं। पहला 38 जिला के जनवितरण दुकानदार के साथ साथ अध्यक्ष, सचिव, 38 जिला के अध्यक्ष, सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव लोग आएंगे। ये हम सबको अनाउंस किया, लगभग सभी लोग कल 22 तारीख को लोग पहुंच जाएंगे। भागलपुर के बबरगंज थाना अंतर्गत अलीगंज में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर से रिसाव होने लगा और देखते देखते आग भयावह रूप ले लिया, जिससे 3 खपड़े का मकान बुरी तरह जल गया। दोपहर के वक्त खाना बनाने के दौरान गैस के रिसाव से अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में 3 खपड़े के मकान आ गए, जिसमें गौती देवी पति हरिदास का बैंक से निकाला 52,000 रुपये और जेवर जल गया। वहीं सुनीता देवी पति उमेश मंडल का 42,000 नगद, लकड़ी काटने का 2 मशीन और बेटी की शादी के लिए रखे जेवरात आग की चपेट में आ गए। सभी पीड़ित परिवार किराए के मकान में रहते थे। आग में लाखों की क्षति हुई है, वहीं जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच कर समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सूचना के बाद थाना पुलिस भी वहां मौजूद थी। अभी तुरंत सिलेंडर अंदर किए, अब अंदर नौपी से पैसा उठा के आए, घर में धार कर हम बोसरा पर बैठे थे। अब मेरा बेटा जैसे चेक किया नहीं कि कैसा है, बस बाबू आ गया, सब चीज मेरा जल गया, बाबू कुछ नहीं बचा। क्या बजे हुआ भाई? 1 बजे लगभग हुआ है बाबू। क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा 52,500 पैसा हुआ है, 5 जेवर गया, अस्पताल सेवा बेटा गाड़ी चलाता है, बैटरी मेरा जल गया, पूरा घर के जितना चीज सब जल गया, कुछ बचा नहीं और कुछ भी नहीं बचा। क्या नाम है? मोबाइल है, पर्स है, नाम मेरा दास जल गया है। देखिए यहाँ हीरा दास नाम। खाना बनाने के लिए सिलेंडर जोड़ा और लीक था सिलेंडर और आग लग गया सिलेंडर में। सिलेंडर आप लाए थे? नहीं, हमारा भाई लाया थे। अच्छा, अभी ले आया था मेरा। अब भपका फिर आग फट गया सिलेंडर? फटा नहीं है। अच्छा, सिर्फ भपका? भपका और पूरा आग लग गया ज्यादा। अच्छा, कोई घायल? कोई घायल तो नहीं हुआ? घायल कोई नहीं हुआ है सर, खाली संपत्ति नष्ट हुआ। भाजपा झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर के सदस्यों ने जिलाधिकारी सुब्रत सेन से मुलाकात कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों की मांग है कि कटाव पीड़ित सैकड़ों परिवार के लोग बरसों से सबौर, भागलपुर और अनाथनगर के सरकारी जमीनों पर रह रहे थे, जिन्हें अतिक्रमण के तहत हटा दिया गया। वहीं जिलाधिकारी के पास मामला जाने पर जिलाधिकारी के द्वारा आदेश भी निर्गत किया गया है कि इन्हें जमीन देकर बसाया जाए, लेकिन कार्यालयों का चक्कर लगाने के बावजूद भी आज तक इन विस्थापितों को जमीन मुहैया नहीं हो सकी है, जिस कारण ये लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं।
इन लोगों का कहना है कि अगर इनको जल्द ही जिलाधिकारी के द्वारा मुहैया कराया गया जमीन नहीं दिया जाता तो ये लोग आंदोलन करेंगे। आदेश हुआ था गरीब भूमिहीनों को बसाने का, उसके बाद दोबारा एक आदेश वो हुआ, दोबारा जो है 2/22 को फिर आदेश हुआ, दो आदेश हुआ। डीएम साहब अभी गरीबों के लिए मसीहा है। डीएम साहब का आदेश हुआ कि इस गरीब भूमिहीनों को बसा दिया जाए, द्वितीय अपील में हम लोग को दो बार आदेश हुआ। आज तक निचला पदाधिकारी हम लोग को दौड़ा रहा है, जहां जाते हैं कभी एसडीओ साहब के यहाँ जाते हैं, कभी डीसीएलआर साहब के यहाँ जाते हैं, कभी एडीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है। एसडीओ साहब सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब बोले कि एसडीओ साहब के यहाँ कागज है, एसडीओ साहब से मिले तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ है किरानी साहब, वो भगा देते हैं। उनका नाम तो नहीं जाते हैं, गोरे से नाटे से स्टाफ हैं, बोला कि हम जो करेंगे वही होगा। आज तक 1.5-2 साल होने जा रहा है, पंचायत चुनाव के पहले आदेश हुआ था, आदेश में लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव के बाद आप लोग को गरीब भूमिहीनों को बसा दिया जाएगा। हम लोग का 3 जगह पास हुआ है, नाथनगर सबौर में 62 आदमी का है, भागलपुर में 92 आदमी का है, जगदीशपुर अंचल में। जब जाते हैं धुतकार फुतकार के भगा दिया जाता है। परसों हम लोग सीओ साहब से मिले, सीओ साहब बोले कि एसडीओ साहब दस्तखत कर दिए, आप झूठ बोले कि सही बोले ये हम नहीं जानते, पेपर आउट भी किए हैं बोले वो कि पेपर भी आउट हुआ है, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं, इसलिए हम लोग आज फिर जा करके डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एसडीओ साहब, एडीएम साहब सभी को दरखास्त दिए हैं, जिसका प्रमाण हम आप लोग को दे रहे हैं।